हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर फूड एंड ब्लॉग। आज हम आपको ये लाल और ये पीला दो तरह का शिमला मिर्च को स्टफ्ड करके बनाना बताते हैं। इसका स्टफिंग प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक लेंगे सीसा का बॉल और इसमें पनीर लेंगे। पनीर को आप हाथ से मैश भी कर सकते हैं या फिर इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। हम हाथ से मैश कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से मैश हो जाना चाहिए और इसमें इसका थोड़ा सा ऐसे दाना भी दिखना चाहिए। अभी पनीर पूरा मैश हो गया है। ये बहुत ही अच्छा डिश है और आप इसको कोई मेहमान अगर आए तो आप इसको एज ए स्टार्टर भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये छोटा कटा हुआ प्याज 2 चम्मच, एक छोटा हुआ कटा हुआ प्याज, गाजर, ये थोड़ी सी पीली वाली शिमला मिर्च, जो शिमला मिर्च आपको जो आगे पीछे का जो पार्ट रहता है उसको आप उसको कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये थोड़ी लाल वाली शिमला मिर्च। इसमें डालेंगे ये हरी वाली शिमला मिर्च थोड़ी सी। छोटा टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है और कुछ नए तरीके का स्टार्टर भी। इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालिए, थोड़ी सी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, ये लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे। इसको हाथ से हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये हर कुछ एक दूसरे से मिलके स्टफिंग फिलिंग तैयार हो जाए। ये एक तरीके से और बनता है, पनीर की जगह आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब पूरा मिल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीज, ग्रेटेड चीज डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ताकि ये बांध के रखे हर कुछ को, और चीज डालने से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब हम एक फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन स्टार्टर है और आप बनाओ, और हर कुछ इसमें मिला हुआ है तो आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अभी स्टफिंग मेरा रेडी हो गया। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च का मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन चढ़ाते हैं। मैंने एक फ्राइंग पैन चढ़ाया है, उसमें हम ऑलिव ऑयल डालते हैं। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो, रिफाइंड भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा ऑलिव ऑयल का ही प्रयोग किया है। तेल को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल का मात्रा बढ़ाया है। अब गैस को सिम कर देंगे। चाहें तो स्टफिंग में आप रेड शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से आंच को सिम रखिए और चम्मच से या आप हाथ से जैसे आप कंफर्टेबल फील करें
वैसे आप इसको इसमें डालें। बस एक कप पलटने वाले से इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे। सबको बारी बारी से अगर आप इसको पनीर की जगह अंडा डाल के बनाएंगे तो भी ये अच्छा बनता है। अच्छे से बहुत ही आहिस्ता से इसको दूसरी तरफ पलटना है ताकि इसका जो स्टफिंग है वो इसमें बरकरार रहे। अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो आप उसको उसमें ही बना सकते हैं या फिर तंदूर में ही बना सकते हैं, लेकिन ये तेल में तलने के बाद जो खाने में इसका मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसको ज़्यादा देर तलना नहीं है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि बस कुछ देर में ही ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये डिश आप ज़रूर बनाइए, कोई मेहमान अगर आपके घर में आ रहे तो एज ए स्टार्टर आप इसको बनाओ, या फिर आप प्लेटिंग जब आप सब्जी वगैरह बनाते हो तो उसमें एक ये डिश भी ऐड करो, आपकी बड़ी तारीफें होंगी और बहुत ही आसान है। आपने देखा कि कितना आसानी से ये बन जाता है। अगर आप इसमें अंडा यूज़ करो, अंडे से भी बना सकते हो। ये बन गया है, अब आप इसको आराम से एक प्लेट में निकाल लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन डिश है, निकाल के फिर आप इसको सर्व करिए। ये रेड और येलो बेल पेपर का स्टफ बनाया है हमने, हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप अपने घर में हो रहे छोटी सी पार्टी के लिए इसको आप ज़रूर बनाएं और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।